ये ओप्पो रेनो 8 प्रो है, अभी स्विच ऑफ है। अभी हम इसको फॉर्मेट करेंगे तो वॉल्यूम माइनस वाला बटन और पावर ऑन वाला बटन दोनों प्रेस करके रखेंगे, और जैसे ही ये ऑन होगा तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम पावर ऑन वाला बटन छोड़ दूंगा, वॉल्यूम माइनस वाला बटन प्रेस करके रखूँगा। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, ओप्पो लिख के तो आ चुका है। अभी थोड़ी देर में ये देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे हम इंग्लिश, उसके बाद फॉर्मेट डेटा, रिबूट डिवाइस एंड पावर ऑफ, तो फॉर्मेट डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉर्मेट डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंटर वेरिफिकेशन कोड 1218 जैसे ही किया तो यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आया। आप देख सकते हो पूरा डिवाइस फॉर्मेट हो चुका है। यहाँ पे अभी मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, डिवाइस फॉर्मेट। अभी ये वापस रिस्टार्ट होगा, चालू होगा, और वापस से जैसे मैंने नया फ़ोन लिया था वैसा का वैसा ही अभी चालू होगा। तो इस तरह से आप इजीली फॉर्मेट कर सकते हो कोई भी नए डिवाइस को। लेकिन आपको इसका जो आईडी पासवर्ड है, गूगल आईडी पासवर्ड, वो याद रहना चाहिए। आपका डेटा बैकअप कुछ भी नहीं मिलेगा, गूगल आईडी पासवर्ड याद रहना चाहिए आपको, तो ही आप इसमें सक्सेस रहोगे। नहीं तो फिर FRP लॉक लग जाएगी, तो फिर आपको ओप्पो के केयर से FRP लॉक अनलॉक करवाना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मेट हो चुका है कम्प्लीटली, अभी मैं नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आप दिखाई रहे हैं ट्राई द अनदर नेटवर्क, तो अभी मैं मोबाइल डेटा यूज़ करूँगा कंटिन्यू, और उसके बाद शायद FRP लॉक हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये नया वर्ज़न है एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड 13 के ऊपर बेस्ड है, तो FRP लॉक हो जाना चाहिए। नहीं तो फिर कोई भी फ़ोन चोरी करके डायरेक्टली फॉर्मेट करेगा 3 किल से, तो FRP अगर मांगेगा ही नहीं तो वो नॉर्मली भी यूज़ कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी फ्यू मिनट दिखा रहा है, देखते हैं क्या होता है। जस्ट फ्यू मोमेंट का ऑप्शन भी आ चुका है, डोंट कॉपी, चेकिंग इन्फॉर्मेशन। अभी वापस से ये स्क्रीन लॉक पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं है ना अपना पुराना वाला स्क्रीन लॉक पासवर्ड मारता हूँ, तो शायद से चालू होगा, लेकिन बैकअप मेरे ख्याल से कुछ नहीं मिलेगा, और यहाँ पे स्किप कर दूंगा। मतलब आपको पासवर्ड भी याद होगा तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आईडी नहीं याद रही, पासवर्ड याद रहा तो भी कोई टेंशन नहीं। और ये तो अभी मैं स्किप करूँगा, बाद में जो भी होगा वो बाद में मैं करता रहूँगा। वो तो इजीली आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो 3 किट से, आपको सेटिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाहर से भी फॉर्मेट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ, तो चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिए। हमारे चैनल पे मोबाइल एक्सेसरीज की भी रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनती रहती है।